The Helka India News. Please like and share and don't forget to subscribe. सेंट थॉमस स्कूल संचालक की मनमानी के चलते सैकड़ों माता पिताओं ने सड़क पर चक्का जाम कर धरना दिया। उज्जैन में मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद भी निजी स्कूल संचालक बच्चों के माता पिता को फीस को लेकर परेशान करने में लगे हैं, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के सख्त निर्देश हैं, स्कूल संचालक सिर्फ बच्चों की ट्यूशन फीस ही वसूल करेंगे, लेकिन नियम के विरुद्ध फीस वसूली नहीं की जा रही है, जिसके चलते सैकड़ों माता पिता स्कूल पहुंचकर सड़क पर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। साथ ही इसी के चलते जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल संचालक से चर्चा की। तहलका इंडिया न्यूज के लिए जगदीश परमार की रिपोर्ट। सेंट थॉमस में उपस्थित हुए हैं खाली फीस के चक्कर में। फिर 50% फीस देने को सभी इच्छुक हैं पेरेंट्स, परंतु जो अपने सेंट थॉमस के जो हैं वो 50% फीस नहीं करना चाहते। इसके उपलक्ष में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं और इससे हमने धरना भी सब लोगों ने मिलकर दिया है। और 50% फीस कम नहीं होती है, अगर 50% फीस का आप जोड़ो, अगर एक व्यक्ति 10,000 देता है तो 2,000 पेरेंट्स है, और 2,000 से 2 करोड़ रुपये होते हैं साल का इनका खर्चा, का टीचर का ही मान लो तो खाली 2 करोड़ में 40 लाख होता है, 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 40 लाख फिर भी बचाएंगे। इस हिसाब से अब फिर भी हम 50% दे रहे हैं, अगर पूरी होती तो 4 करोड़ रुपये होते हैं फीस के। फिर भी आधी फीस देने के बाद भी मैनेजमेंट अच्छा खासा पैसा इकट्ठा होएगा। अभी उनको सोचना चाहिए कि इतना इस कोविड के हिस्से देखते हुए कम से कम एडजस्टमेंट किया जाए, अगर वो नहीं करते हैं तो हम उपयुक्त धरना दिया जाएगा। धन्यवाद। मुकेश महेश्वरी, बताइए क्या समस्या है आपकी? सर, हमारी बस इतनी सी डिमांड है पेरेंट्स की कि जो स्कूल हमसे मांग रहा है फीस, हम 50% कर दीजिए। हम दे रहे हैं ना फीस, क्योंकि बिजनेस हो नहीं रहा है किसी का भी, लॉकडाउन में सभी घर पर बैठे थे, तो जिसकी भी प्राइवेट जॉब है वो घर पर बैठ ही चुका है, जो पंडित है पंडित के भी बच्चे, मैं खुद मेरे हस्बैंड पंडित ही करते, हमारे जिजमानी नहीं, तो हम कहाँ से देंगे फीस इतनी? हम 50% देने के लिए तैयार है। आप दीजिए, 10 मिनट का वीडियो दे रहे हैं स्कूल से, हमारे बच्चे मोबाइल से पढ़ नहीं रहे हैं और पढ़ाई होती ही नहीं है स्कूल पर मोबाइल से। एक तरफ स्कूल पहले हमसे कहता था टीवी मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए, और अब कह रहे हैं आप मोबाइल से पढ़ाइए। हम उसमें भी एग्री, पर 50% हम देने को तैयार है फीस। अगर आप 50% ले रहे हैं तो हम दे लेते हैं, नहीं तो हमारे बच्चों की आप टीसी दीजिए, हम टीसी लेने को तैयार हैं। अगर आपकी मांग नहीं मानेंगे तो क्या होगा? टीसी लेंगे ना सर, क्योंकि इतनी फीस दे नहीं सकते हम, कहाँ से देंगे इतनी फीस? चक्का जाम होगा। सर, क्लास के अकॉर्डिंग है ना, जिसके जो बच्चा जिस क्लास में उस क्लास से फीस मांग रहे हैं ना, इंस्टॉलमेंट में मांगी जा रही है 5,000। क्या मैं यहाँ पर फीस के लिए आया था और मुझसे ये 15,500 फीस मांग रहे हैं, और एक्चुअली 6 महीने से मेरी सैलून का काम करता हूँ, मैं सैन समाज से हूँ और मेरी दुकान 6 महीने से बंद है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक आदेश जारी किया था कि आप सैन समाज मतलब सैलून की दुकान पर जाने से बचें। तो सर, उस स्थिति में मेरी हालत ऐसी है कि मैं ना दुकान का रेंट दे पा रहा हूँ, ना मैं बच्चों की मैं फीस भर पा रहा हूँ, और मैं इतना परेशान हूँ कि मैं इनसे बार बार आ रहा हूँ और मेरे से कह रहे हैं हॉल टिकट के लिए आपको पहले 5,500 देना पड़ेगा, और आपको छूट मिलती है तो केवल 1 महीने की मिलेगी, वो भी पूरा पेमेंट करके। अब मैं पूरा पेमेंट कहाँ से लाऊँ? मुख्यमंत्री जी से हमने अभी केस शिल्पी के लिए आवेदन दिया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमें केवल आश्वासन दिया कि आपको 10,000 रुपये मिलेंगे, वो भी हमारी सैन समाज को नहीं दिए और हमारी सैन समाज को अनदेखा करते जा रहे हैं। और मैं सैन समाज से मतलब सारी समाज है, हर आदमी पैसा कहीं से लाता है, और अभी कोरोना काल में किसी के पास पैसा नहीं है, और मेरे पास तो साहब बिल्कुल नहीं, रेंट देने तक का नहीं है। मैं अपने बच्चों को जैसे पाल रहा हूँ वैसे ही पाल रहा हूँ, और अगर ये प्रशासन नहीं मानता है तो मैं पूरे सैन समाज के बंधु उज्जैन के सारे मेरे साथ आएंगे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं महेंद्र वर्मा हूँ और गुजरात सैन समाज में कोषाध्यक्ष पद पर हूँ सर, लेकिन चक्कर के सारे सैन समाज की स्थिति बहुत खराब चल रही है, और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन हमारी बात माने।